अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज 9th का लेक्चर नंबर 8th है और यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है बेटा, तवज्जो से बैठना है तो इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। आज का टॉपिक है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से एक ही क्वान्टिटी को मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट की मेजर करने की एक अपनी हदूद होती है। हर वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम से कम हो वो ट्रू इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक, तो अब मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर की जाती है एक क्वांटिटी तो उसमें हमने देखते होते हैं कि जो एक्यूरेटली नौ डिजिट है उसको तो 100% लिखना है और उसके साथ डाउटफुल कितने डिजिट हैं, एंड इट्स डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। एक्यूरेटली नौ डिजिट सारे और डाउटफुल एक को मिला के लिखना, नंबर बनाना, ठीक है, मेजरमेंट बनाना सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये डिपेंड करता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्वालिटी कितनी है अच्छी। जिस इंस्ट्रूमेंट की जितनी क्वालिटी अच्छी होगी वो जितनी माइनर क्वालिटी करके मैच करके उसको देगा उसके उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बढ़ते जाएंगे। ठीक है बेटा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं जिनको एग्जांपल के साथ हम स्टडी करते हैं। बेटा अगर कोई नंबर हमारे पास इस तरह हो कि उसके दरमियान नॉन जीरो डिजिट हो, उनके दरमियान जीरो ना हो, वो जितने नंबर भी होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होंगे। अब इनके दरमियान 2, 3, 7 मैंने लिखा है, इनके दरमियान जीरो नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितने हैं, 3। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर जीरो नंबरों के दरमियान में आ जाए, आया वो फिर नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर होगा या नहीं, तो जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखा 2705 तो ये 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तीसरा रूल है कि अगर फाइनल जीरोस और जीरो आप डेसिमल के बाद हों, ठीक है, आया वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होंगी या नहीं, तो फाइनल जीरो और जीरो आफ्टर डेसिमल आर इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर, वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होंगी। ये 275.00 तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें क्या है बेटा, 5 है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, जीरोस यूज फॉर स्पेसिंग, वो जीरो जो हम स्पेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे 0.03 तो ये, या 0.027 तो ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं होंगे। इसमें 3 डिजिट एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 डिजिट रहेंगे तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, 2 होंगे। तो इसलिए वो जीरोस जो हम स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं होंगे। लेफ्ट साइड पे मौजूद जीरो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में मौजूद नहीं होगी, ये जस्ट फॉर स्पेसिंग होगी। इसके बाद नंबर बिफोर द पावर ऑफ 10, अगर आपने कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है तो 10 की पावर से पहले पहले जितने भी नंबर हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल है। जैसे मैंने लिखा 3.57 10 की पावर 4, ये पहले से कैलकुलेटेड है, तो 10 की पावर से पहले 3.57 3 डिजिट थे तो तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होंगे, तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे, 3। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर मेजरमेंट हम होल नंबर्स में लें, ठीक है, दैट एंड विद 1 और मोर जीरोस, जिनके एंड पे रिपीटेडली 10 डबल या कुछ इस तरह से हो, तो फिर वो जीरोस जो हैं वो इंक्लूड की भी जा सकती हैं और मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर, वो फिर देखा जाएगा कि वो इंक्लूड होती हैं या नहीं होती। उनको देखने के लिए फिर नंबर को हम एक नए तरीके यानी राउंड ऑफ रूल से जाते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, अब राउंड ऑफ में क्या जाते हैं कि अगर हमारा इफ लास्ट डिजिट लेस ऑफ 5 है, अगर कोई हमारे पास नंबर हो और उसका लास्ट डिजिट, जैसे मैंने 1.943 लिखा है, अगर कोई नंबर हो और उसका लास्ट डिजिट 5 से छोटा हो, जैसे 3 5 से छोटा है, तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया और आगे वाले नंबर 9.4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3। लास्ट नंबर 5 से छोटा है तो उसे ड्रॉप कर दें, इससे सिग्निफिकेंट फिगर रिड्यूस फॉर्म में आ जाएंगे। सेम अगर हमारे पास लास्ट डिजिट ग्रेटर हो 5 से, देन डिजिट ऑन लेफ्ट साइड जो आगे उसके एक डिजिट खड़ा है उसको एक नंबर इंक्रीज कर दें, उसको एक नंबर इंक्रीज कर दें और पीछे वाला नंबर को आप छोड़ दें,
इससे भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। जैसे 1.47 था, अब लास्ट वाला डिजिट 7 जो है 7.5 से ग्रेटर है, 7.5 से ग्रेटर है, तो 7 को ड्रॉप कर दें और ये आपके पास 1.5 आएगा। और इसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये होगा। कितना बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये होगा। ठीक है, तीसरा रूल है राउंड ऑफ का, इफ लास्ट डिजिट इज 5, अगर वो 5 है, ठीक है, इट इज राउंडेड टू गेट नियर बाय इवन नंबर, उससे आगे देखें, अगर वो इवन नंबर है तो रहने दें, नहीं है तो फिर उसे इवन नंबर बना दें, यानी एक ऐड करके उसे इवन नंबर बना दें। ठीक है, जैसे 1.35 है तो इसको आगे 3 आठ नंबर था, मैंने एक नंबर बाय 1.4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 हो जाएंगे। इसी तरह 1.45 है तो आगे इवन नंबर ऑलरेडी मौजूद था तो फिर मैंने इसको 1.4 लिखा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दोनों केसेस में कितने हैं, 2। दोबारा देखें, मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करें उसमें एक्यूरेटली 9 डिजिट जो हैं वो सारे लिखने हैं, डाउटफुल डिजिट 1 लिखना है। इस तरीके से लिखने के नंबर को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करता है कि कितना आप क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जितना आप क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे जो बेटर मेजरमेंट देगा, जिसका लीस्ट काउंट कम से कम होगा, वो आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ग्रेटर वो करके देगा, इसलिए वो ग्रेटर प्रेसिजन रखता होगा। हमारे पास रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के, अगर 0 नॉन जीरो डिजिट हो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में होते हैं, जैसे 2, 3, 7 है तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगी, अगर 0 जो है वो नंबरों के दरमियान में आ जाती हैं तो वो फिर सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होती है, जैसे 2, 7, 0, 5 ये 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएंगे, 4। अगर 0 डेसिमल के एंडिंग पे आती हैं, ठीक है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होती हैं, 2, 7, 5.00, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो जाएंगे बेटा, 5। 0 यूज फॉर स्पेसिंग, ये नहीं होगी शामिल सिग्निफिकेंट फिगर में, जैसे 0.03 था और 0.027 था, तो ये 0 जो लेफ्ट साइड पे आई हुई थी ये जस्ट फॉर स्पेसिंग थी, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं करेंगे। इस तरह यहाँ सिंगल नंबर बचेगा, दैट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और इधर 2 नंबर बचेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर बिफोर द पावर ऑफ 10, अगर कोई नंबर पहले ऑलरेडी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेट किया हुआ है तो पावर से पहले जितने नंबर हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होंगे। अगर होल नंबर्स हैं और वो एंड हो रहे हैं एक या इससे ज़्यादा जीरोस पे, तो वो फिर इंक्लूड हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये डिपेंड करता है आंसर पे। ठीक है, तो इस तरह अगर सिग्निफिकेंट फिगर को रिड्यूस करके लिखना हो तो उसके लिए एक मेथड है जिसको राउंड ऑफ नंबर्स कहते हैं, उसमें ये है कि अगर लास्ट डिजिट 5 से लेस है तो उसे सिंपली ड्रॉप कर दें, वो रिड्यूस हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 1.94 था, 3.5 से छोटा था, हमने इसे ड्रॉप कर दिया 1.94, अब ये 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। इसी तरह अगर नंबर जो है वो 5 से ग्रेटर है, ठीक है, तो उससे लेफ्ट साइड पे जो मौजूद नंबर है उसमें एक नंबर का इजाफा कर दें और पीछे वाला नंबर ड्रॉप कर दें, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिड्यूस हो जाएगी, जैसे 1.47 था, 7.5 से बड़ा था, इसे ड्रॉप कर दें, आगे वाले नंबर में एक इजाफा कर दें 1.5, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, 2। अगर लास्ट डिजिट सिंपली 5 है, ठीक है, तो आगे वाले नंबर को क्या करें, उसे नियरली इवन नंबर में ले जाएं, अगर वो पहले है तो 5 को ड्रॉप कर दें, नहीं तो फिर ले जाएं, जैसे 1.35 था तो इसको 5 था, इसको आगे इवन नंबर में चेंज कर दिया और उसको 5 को ड्रॉप कर दिया 1.4, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 2। इसी तरह 1.45 था, लास्ट वाला डिजिट 5 था, आगे इवन नंबर मौजूद था तो फिर मैंने इसको 1.4 लिखा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 2 हो जाएंगे। इसको देखना है, मुख्तलिफ एग्जांपल लेनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये मेथड आपको अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है बेटा, अच्छे तरह तैयार करें, नेक्स्ट का इंशाल्लाह अगले लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।